एनएसयूआई हमीरपुर इकाई ने प्रदेश सरकार पर छात्र हितों को दबाने का आरोप लगाया है। हमीरपुर एनएसयूआई की जिला इकाई के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि छात्रों को प्रमोट करें, अन्यथा पूरे प्रदेश में छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज जो हम माननीय डीसी महोदय के माध्यम से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आजकल पूरा विश्व जो है, हिमाचल प्रदेश है, वो कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है, लेकिन प्रदेश सरकार जो है वो छात्र हित की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, छात्रों की आवाज़ को ज़रा भी नहीं सुन रही है, और ना बच्चों को फीस माफ़ी कर रही है बच्चों की, ना उनको प्रमोट कर रही है। आप लोग देखेंगे कि ऑनलाइन जो शिक्षा के माध्यम, आजकल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं, हमीरपुर जिला के कई दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है वो मोबाइल सिग्नल की कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर है, तो वो लोग अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। और आप लॉकडाउन देखेंगे, लॉकडाउन के जो दुष्परिणाम है, बहुत सारे लोगों के बच्चे, बहुत सारे बच्चों के जो माँ बाप हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, तो वो अपना खर्चा कैसे करेंगे। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से उनका फ्यूचर जो है वो भी बचेगा और जो भारत का जो उज्जवल भारत का जो निर्माण होगा वो होगा। हमारी सरकार से अनुरोध है कृपया वो बच्चों को प्रमोट करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद।